करते हैं। ओह, ये तो हम जानते ही नहीं। जानती तो है पर उस बात पर... समझ गई, अब तो तू नहीं रही उसकी हो गई है। सो यू वांट टू सी हिम एंड मीट हिम? हां एग्जैक्टली, बट हाउ? उसने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए फोन नंबर और एड्रेस दिया होगा। गुड आइडिया, प्लीज तू मेरी हेल्प करेगी। आज मुझे एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना है, आई कांट मिस दैट, सो इफ यू डोंट माइंड तू वहां जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम, सी यू, बाय बाय। Excuse me. Yes, please. Yesterday we admitted a patient called Naina. Can I get her details, please? Naina? She's inquiring the same. आप? Yes. यहाँ नैना को जिसने admit किया वो मैं हूँ. She's in love with you? Yes, it's me. मैंने तो expect किया था, लेकिन उसने express कर दिया. मुझे तो doubt हो रहा है. मुझे भी doubt था, but हार्ट ओपन होता है तो आंखें क्लोज हो जाती हैं। पर मुझे तो सब हिला हुआ लग रहा है। क्या बोल रही हूँ? आपकी तारीफ? नैनास फ्रेंड हर्षा। डोंट फील बैड, आपको भी कोई मामूली आदमी मिल ही जाएगा, मुझसे भी काला। आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए तो मैं चली जाऊँ। इट्स सफोकेटिंग। टेक माय कार्ड। अपने फ्रेंड से बोलिए वो जब भी चाहे मुझे डिस्टर्ब कर सकती है। आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। गॉश, एक्सक्यूज मी, व्हाट? उससे कहिएगा आई मिस हर अ लॉट। Nonsense. Congrats. Sure, sir. Do one thing. Come after some time and collect the paper from our MD. Thank you so much, sir. Hey, Harsha. Any information? कितना bad taste है तेरा? वो कौन से angle से तुझे पसंद आया? Color नहीं, figure नहीं, character भी नहीं है। किससे मिलकर आई है तू? तू जिससे प्यार करती है उस model को? ये बात उसने खुद बताई। Impossible. Somewhere something is wrong. क्या? हेलो हेलो नैना, वेयर आर यू लॉस्ट? हे हर्षा, व्हाट अ सरप्राइज, ही इज हियर, मेरे बिल्कुल सामने। अभी अभी यहाँ था, इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया? हाँ, ऑफ कोर्स, रंग थोड़ा पक्का है, बट स्टाइल, एटीट्यूड, हिज थॉट्स। मैं इसे ढूंढ रहा हूँ और ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। ही इज जस्ट अमेजिंग, आई लाइक हिम। In fact, I love him. मुझे? Yeah. I'll call you back. Okay? I think you have gone mad. बाद में बात करते हैं। Hey. Excuse me, sir. हाँ, yes. आप? My name is. हाँ, Shiva. She is Naina, newly appointed. Papers यहाँ हैं. Please go through. Not needed. All the best. Thank you, sir. Excuse me. इस कंपनी में लव, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटीमेंट्स, अट्रैक्शन जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। श्योर सर, आई नो माय लिमिटेशंस। बेटर बी इन इट। थैंक यू। हाय स्वीटहार्ट। होल्ड ऑन। शर्मा रही है। आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। हेलो हेलो हेलो। यू आर मिस्टेकन। वी आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। अरे कल तक तो आप ठीक थी, आज क्या हो गया? सुनो, कल की बात की आज कोई वैल्यू नहीं, नए दिन की नई शुरुआत, आज का दिन कल नहीं होगा, इनफैक्ट कल रहेगा या नहीं वो भी नहीं पता। अरे आप सडनली मेरे बॉस की तरह क्यों बात कर रही हैं? एग्जैक्टली, हम जिससे पसंद करते हैं उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए। ऐसा है तो मेरे से एक्सपायर हो गया। मैं आपको एक सच बताऊं, जिस तरह से तुम मुझे नहीं मिले ना, उसी तरह मेरा बॉस भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे जो कल पे विश्वास नहीं करता वो तुम्हारे प्यार को कैसे मानेगा? उनकी ये सोच कब से है? कम से कम 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। तब से तो कल आ ही रहा है ना। So wait and watch. I'm going to make him fall in love with me. Hello, excuse me. अपने दोस्त का नंबर तो दे ही सकती है ना आप? Idiot. Hello, hey, hello. I hate girls. What's this? कल की डेट का जो चेक है, उस पे आज साइन करना है। कल आप रहेंगे क्या? आई मीन कल को आप नहीं मानते ना? कल मैं नहीं हूँ तो पेमेंट की भी क्या जरूरत है? आपके भरोसे पर, इस कंपनी के भरोसे पर बहुत लोग जी रहे हैं, अगर कल आप ये चेक साइन करने के लिए नहीं रहे तो। गुड नैना, तुम भी मेरी तरह सोचती हो। अचानक ही अगर आज मैं मर गया तो उसे फोर्जरी समझकर चेक स्टॉप कर दिया तो? कोई फोर्जरी कैसे कर सकता है, वो भी आप पर मरने के बाद? आई डोंट थिंक सो। इम्प्रेसिव। थैंक यू। आपकी आई लव यू कहने के बाद मैं अपने आप को भूल गई थी। अब कैसे याद आ गया? ऑफ कोर्स, आपको भी याद आ जाए मैं कुछ ऐसा करूंगी। यू मीन टू से मेरे मुंह से लव यू बुलवाऊंगी? गो अहेड। और वो भी आज ही। मेरे हिसाब से दिन खत्म होगा ठीक 12 बजे। अब बजे हैं मॉर्निंग 11 o'clock, ठीक 13 घंटे बचे हैं। दैट्स एनफ, मेरे लिए उतना ही काफी है। क्या आज की रात आप डिनर के लिए फ्री हैं? क्या? कोई बात नहीं, आराम से सोचिए। टेक
दिस इज माई गिफ्ट सैंडी. यस. हम्म. ओ नैना हाय. तुम्हारा बॉस पागल है क्या? वो हमारे लिए तो मेंटल है, आपके लिए क्या है आप जाने. कल लव यू कहा था और आज ना कह रहा है. लव यू और वो इतने सालों से उनके साथ, वो आज तक तो किसी से नहीं कहा. आज बोला तो कल भूल जाता है, कल बोला तो परसों भूल जाता है, परसों बोला तो नरसों भूल जाता है, यही होता है उसके साथ. सॉरी. मेरी एक हेल्प करोगे तुम? क्या है? मेरे पास एक प्लान है. समझ में आ गया ना? ओके ओके. क्या चल रहा है बॉस? आई लव यू बुलवाई की बोली है, वो भी मेरे मुंह से. लव? वो भी 13 घंटों में. इस तरह के बेट से चैलेंज करके मुझे बहुत दिन हो गए. अच्छा 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 अच्छा. लेट्स फेस इट. हेलो सर, मैं नैना. क्या बात है नैना, चैलेंज करके कहीं गुल हो गई क्या? प्रिपेयर हो रही थी. बोलना तो मुझे है ना, पर बुलवाना तो मुझे है ना. ऑफिस में हो? ऑफिस नहीं सर, आखिर ये प्यार का मामला है, उसके हिसाब से प्लेस, एम्बियंस, ये सब रहेगा तो बेटर होगा. साउंड्स गुड. सो प्लीज 2 o'clock को डोमो के पास अरीना मॉल में आ जाइएगा. क्या हुआ बॉस? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है. सभी लड़कियां ऐसी होती हैं, बोलती कुछ है करती कुछ है, उनका कोई भरोसा नहीं है बॉस. किसका फोन था बॉस? अननोन नंबर. हेलो. कहाँ है तुम्हारा बॉस? टेंशन में थोड़े परेशान हो रहा है. और थोड़ी देर खेलूं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस. ये तो सीधे साधे आदमी को मुर्गा बना के काटने जैसा है. अब ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है, अपना खेल यहीं पे बंद करो प्लीज. डोंट वरी, वी विल एंड इट सून. ओके ओके, बाय बाय. इट्स टू मच. मेरे साथ ही गेम खेलने दीजिए, मगर जीतेंगे तो आप ही ना. हाँ वो तो है, लेकिन वो आई ही नहीं. मगर युद्ध में वो नहीं आई, इसका मतलब वो हार मान चुकी है. नो नो, उसे ये बात मेरे सामने बोलनी पड़ेगी. आपके सामने आएगी ऐसा लग नहीं रहा है मुझे. वो नहीं आई तो क्या, हम खुद चलेंगे. कहाँ? उसके घर पे. नहीं 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 बॉस, देख तुझे चलना है तो चल, या फिर यही रुक, मैं तो जा रहा हूँ. बॉस बॉस, मैं जा रहा हूँ. What do you think of yourself? क्या हुआ सर? मेरे मुंह से आई लव यू निकलवाओगी ऐसा मुझसे चैलेंज करके? तुम इस तरह अपने घर में आराम से बैठी हो, फेस नहीं कर सकती तो चैलेंज क्यों करती हो? मैं जीतूंगी ये भरोसा था. घर में बैठकर जीतोगी? वो ये ओपन हार्ट वाइट शर्ट, तुम जैसी कितनी भी प्रिंसेस आकर उसमें कुछ भी लिखने दो, उसको इरेज करने की विल पावर है मेरे पास. जीत नहीं पाओगी तो हार माननी पड़ेगी. तो ये सब छोड़कर मोबाइल स्विच ऑफ करने का मतलब क्या है? वो बैटरी डाउन हो गई थी सर, मैंने दूसरे नंबर से ट्राई किया था पर आपने रिसीव ही नहीं किया. वो तुम्हारा नंबर था, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बार बार कॉल आ रहा है तो रिसीव तो करना चाहिए ना सर. लुक, आई डोंट टेक एनी अननोन कॉल्स, फॉरगेट इट. अभी मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये मुझे जानना है. ठीक है वो सब ठीक है, वीके छोड़ो, मैं जीता हूँ या हारा हूँ ये बोलो. आप ही जीते हो. दैट्स इट सर. एक्सक्यूज मी, वैसे अभी मेरे पास 2 घंटे बाकी है. सो मेरी एक रिक्वेस्ट है. व्हाट? कल मेरा बर्थडे है. वैसे भी आप कल को नहीं मानते, सो इफ यू डोंट माइंड, मैं आज ही बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ. प्लीज मना मत कीजिए. कम अगेन. आप कल को नहीं मानते तो इफ यू डोंट माइंड आज ही सेलिब्रेट करते हैं. आई लाइक दिस, इसके लिए तो मैं जरूर आऊंगा. कम ऑन. चाल शराबी, कमर लचीली, कम सिन कली, थोड़ा हॉट डिस्क्रिप्शन देता हूँ. चुप हो जाइए, आगे मत बोलिए, सेंसर का प्रॉब्लम हो जाएगा. अरे मैं तो पूरा उपन्यास लिख दूँ इस पे. ए तू कट ले यहाँ से, चल हट पीछे हट, चल. ये चांस भी. यस प्लीज. नैना वेरी नाइस, हाउ डू यू नो माय नेम? बस मैं तो आप ही की बात कर रहे थे सर. सभी पापियों को सिर्फ मेरा ही जिक्र करना था क्या? आई एम वेरी वेरी वर्ल्ड फेमस इन इंडिया, यू नो. वेरी नाइस. मुझे रामपुर जाना है, आप मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? अरे इतना क्लोज आने के बाद मैं रामपुर तो क्या,
राष्ट्र के किसी कोने में छोड़ दूंगा, बट आई गॉट वन कंडीशन। वो क्या? मेरी गाड़ी में बैठने तक की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उतरने की जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं कुछ समझी नहीं। डोंट वरी, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम सिट। थैंक यू। आगे बैठ जा। एक्सक्यूज मी, ये लगेज हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा है। ऐसे लगेज को कैरी करने के लिए मेरे पास एक आइटम है, इसे इधर लाइए और इसे पकड़ा दीजिए। अच्छा, तुझे बख्शीश चाहिए? ओके, keep this, enjoy। Snake sir, thank you boss। सिर्फ लगेज उठाने के लिए सोने की अंगूठी? अरे मैं खुद ही सोने के दिल वाला हूँ, धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगी। चले, ये आगे आपका गांव और ये रहा वो भवन, अब उतर जाओ। यही पर रोक दीजिए। ये गाड़ी नहीं रुकने वाली। क्यों? क्योंकि मेरे पैर जमीन तक नहीं पहुँचते। अरे मुझे भी तो उठाओ। थैंक यू सो मच, मुझे ड्रॉप करने के लिए। इट्स ओके, कभी टाइम पर नहीं था, मुझे पहले नहीं पता था। सॉरी सॉरी बॉस। एक्सक्यूज मी, अब आप वापस कब जाएंगी? क्यों? वो क्या है ना, मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर दूंगा। आपको देखने के बाद ये गांव छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा, यही सेटल हो जाऊंगी। मुझे देखने के बाद